नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टंप लाइन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई वर्सेस कोलकाता, जो कि 2024 आईपीएल की 60वीं मैच है। तो इस मैच का हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं, ग्रैंड लीग की टीम बनानी है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से ग्रैंड लीग की टीम बनानी है, किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है ताकि आपकी आज फर्स्ट या फिर टॉप रैंक आ सके। इस वीडियो में आगे मैं टिप्स भी बताऊंगा किस तरह से टीम बनानी है, ट्रिक्स बताऊंगा, और ट्रिक्स ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो इस 2024 आईपीएल में अब तक एक भी बार फेल नहीं हुए, हर बार मैच में वो ट्रिक काम कर रही है। तो वो कौन सी ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको 3 या 4 टीम भी दूंगा। उसके अलावा मैं कल के मैच का हमारा प्रेडिक्शन कैसा गया था वो बताऊंगा, और इस मैच में कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे कल के मैच से ही, कल का हमारा प्रेडिक्शन कैसा गया वो जानते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ, ये कल के मैच की ड्रीम टीम है, जो कि कल की मैच 59वीं मैच थी चेन्नई वर्सेस जीटी की। तो इस मैच में आप देख सकते हैं ये ड्रीम टीम में, कल के मैच में 4 ट्रंप प्लेयर आ चुके हैं, धोनी, मिलर, मोइन अली और मोहित शर्मा। तो ये 4 ट्रंप प्लेयर, तो मैंने कल के मैच में बोला था कि आपको मिनिमम 4 ट्रंप प्लेयर इस मैच में रखना ही रखना है। तो आप देख सकते हैं मिनिमम 4 ट्रंप प्लेयर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। और मैंने दूसरा प्रिडिक्शन ये किया था कि इस मैच में बॉलिंग सेक्शन में एक ना एक ट्रंप प्लेयर ज़रूर आएगा, तो आपको बॉलिंग सेक्शन में रखना ही रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में एक ट्रंप प्लेयर आ चुका है। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बोला था कि हाई सिलेक्शन वाले जो प्लेयर थे कल के मैच में 10 थे, तो 10 प्लेयर जो थे, तो मैंने बोला कि सभी के सभी हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर को आपको नहीं रखना है, उसमें से कुछ ड्रॉप करना है और मिनिमम 4 या फिर मैक्सिमम 7 तक ही आपको हाई सिलेक्शन रखना है, ऐसा बोला था। तो आप इस मैच में देख सकते हैं मैक्सिमम 7 ही हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर आ चुके हैं। इसके अलावा मैंने ये भी बोला था कि इस दोनों भी टीम के तरफ से जो भी पिछले मैचेस हुए हैं तो उसमें जो भी कॉम्बिनेशन आया है उसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आपको यूज़ नहीं करना है, एक नया कॉम्बिनेशन यूज़ करना है जो कि पिछले कॉम्बिनेशन से हटके हो। तो आप देख सकते हैं इस मैच में जो कॉम्बिनेशन कल के मैच में चला है तो वो यूनिक कॉम्बिनेशन चला है, पिछले मैच में जो भी कॉम्बिनेशन चले थे इस दोनों भी टीम के तरफ से तो वो उनमें से एक भी कॉम्बिनेशन इस मैच में नहीं चला। तो चलो प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीटी के तरफ से। जीटी के कल के मैच में जीटी के 5 प्लेयर चले थे, आप देख सकते हैं गिल, सुदर्शन, मिलर, मोहित शर्मा और रशीद खान। तो चलिए देखते हैं, मैंने कल आपको जीटी के पुराने कॉम्बिनेशन दिखाया था कि इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन मत लेना। तो ये जीटी के मैंने ये कॉम्बिनेशन आपको कल दिखाए थे, कल का आप प्रेडिक्शन मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने कल अपलोड कर दिया था। तो देखिए यहाँ पे 5 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन 4थे मैच में चला था, वहाँ पे 5 प्लेयर वाला है, उसके बाद 6वें मैच में 5 प्लेयर चले, उसके बाद 10वें, उसके बाद के आखिरी के 2 जो मैच दिख रहे हैं तो उसमें भी 5 5 5 दिखे हैं। तो आप देख सकते हैं जो 4थी मैच है वहाँ पे देखिए नूर अहमद चला था और कल के मैच में नूर नहीं चला, और उसके बाद 6वें मैच में आप देख सकते हैं वहाँ पे देखिए तेवाटिया चला था। तो आज के इस मैच में, कल के मैच में तेवाटिया नहीं चला। उसके बाद आप देख सकते हैं आखिरी के 2 मैच, उसमें देखिए शाहरुख खान चला, और उसके बाद ये आखिरी के दोनों भी मैच में शाहरुख खान चला था और कल के मैच में नहीं चला। तो ये जो 5 प्लेयर वाले कॉम्बिनेशन पहले चल चुके हैं उससे हटकर आया है। तो यही मैंने बोला था, इसमें से आप देख सकते कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है जहाँ पर कोई भी कॉम्बिनेशन दोबारा वर्क किया हो, हर बार नया कॉम्बिनेशन वर्क किया है। तो इसी तरह से मैंने चेन्नई का भी बोला था कि चेन्नई के पिछले कॉम्बिनेशन जो है उसको आपको नहीं लेना है, एक नया कॉम्बिनेशन यूज़ करना है।
तो चलिए दिखाता हूँ, ये कल के चेन्नई का कॉम्बिनेशन है। तो आप देख सकते हैं धोनी, डैरिल मिचेल, दुबे, मोइन अली, जडेजा और देशपांडे, ये 6 प्लेयर कल के मैच में चले। और चलो देखते हैं कल के मैच के लिए मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया था कि ये मत लेना, तो ये वाले कॉम्बिनेशन है। तो आप देख सकते हैं 6 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। तो 6 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन 6ठे मैच में चला और 11वें मैच में चला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन जो 6ठे मैच में है, तो वहाँ पे मुस्तफिजुर चला था और कल के मैच में मुस्तफिजुर नहीं चला। कल के मैच में मुस्तफिजुर खेला ही नहीं था, इसलिए ये नहीं कॉम्बिनेशन आया। उसके बाद जो आखिरी की मैच है 11वीं मैच, उस पर आप देखिए वहाँ पे सिमरजीत और शार्दुल चले थे और इस मैच में नहीं चले, तो इसलिए यूनिक कॉम्बिनेशन चेन्नई का भी आया है। तो इस तरह से हमारी कल की प्रेडिक्शन गई है। तो मैंने कल के मेरा जो वीडियो था उसका थंबनेल भी मैंने ये रखा था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 22 कॉम्बिनेशन मत लेना ऐसा मैंने बोला था, तो ये 22 कॉम्बिनेशन नहीं आए हैं। इसके अलावा और भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो हर हर मैच के लिए जो भी प्रेडिक्शन किया, तो इसी तरह से मैंने 22 कॉम्बिनेशन मत लो, 20 मत लो, 21 मत लो, 18 मत लो, 19 मत लो, ऐसे ही बोला है। तो हर बार मैंने जो जो भी बोला है वैसा ही हुआ है। एक भी बार मेरे किसी भी प्रेडिक्शन में मैंने जिन कॉम्बिनेशन को लेने के लिए बोला था वो कॉम्बिनेशन नहीं आए हैं। तो ये हमारी अब तक का प्रेडिक्शन रहा है। तो चलिए आज के प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज के मैच में कौन कौन से प्लेयर इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो लिखे हैं ये सभी के सभी जो 12 प्लेयर है जो आज के मैच में जिनका सिलेक्शन 50 के ऊपर है, यानी कि हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं, उन सभी का मैंने पुराना रिकॉर्ड लिख दिया है। यानी कि इस 2024 IPL में जिस तरह के इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है, वो परफॉर्मेंस के किस तरह से रहा है और कितनी बार वो ड्रीम टीम में आए हैं, कितनी बार कैप्टन बने और कितनी बार वाइस बने हैं, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं मुंबई के तरफ से 6 प्लेयर हाई सिलेक्शन है आज के मैच में, और कोलकाता के तरफ से भी 6 हाई सिलेक्शन प्लेयर हैं। तो हाई सिलेक्शन प्लेयर मैं किसको बोलता हूँ, जिसका सिलेक्शन परसेंट 50 के ऊपर हो उन्हें मैं हाई सिलेक्शन बोलता हूँ, और 50 के अंदर जिसका सिलेक्शन होता है उन्हें मैं लो सिलेक्शन या फिर ट्रम्प प्लेयर बोलता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें 6 प्लेयर है, दोनों भी टीम के तरफ से 6 6 हाई सिलेक्शन है। तो आपको ये सभी के सभी 12 प्लेयर एक ही टीम में ट्राई नहीं करना है। वैसे भी 12 प्लेयर एक टीम में आप ट्राई नहीं कर सकते, सिर्फ 11 ही, क्योंकि ड्रीम इलेवन के ऐप में सिर्फ 11 ही प्लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको इनमें से मिनिमम 4 से लेकर 7 तक ही प्लेयर लेना है, इससे कम मत लेना। कम ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 3 वाला भी चल चुका है, लेकिन 7 के ऊपर हाई सिलेक्शन प्लेयर इस 2024 IPL में एक भी बार नहीं चला है। तो इसलिए आप इस मैच में भी यही चांसेस है कि 7 आई यहाँ से, तो आपको इनमें से कुछ गिने चुने ही प्लेयर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्दिक पांड्या 12 मैच में 9 बार ड्रीम टीम में आया, एक भी बार कैप्टन नहीं बना, वाइस एक भी बार नहीं। और ईशान किशन को आप देख सकते हैं 12 मैच में 8 बार ड्रीम टीम में आया, एक बार वाइस बना। तिलक भी 8 बार आया, एक बार वाइस बना 12 मैच में। उसके बाद KKR के तरफ से देख सकते हैं नरीन 11 मैच में 10 बार ड्रीम टीम में आया, 3 बार कैप्टन बना और 2 बार वाइस बना। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इन दोनों भी टीम के तरफ से देखा जाए तो नरीन का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। उसके बाद रसेल देख सकते हैं आप, रसेल 11 मैच में 8 बार ड्रीम टीम में आया और 2 बार कैप्टन बना। तो बाकी के आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये सभी के सभी एक ही टीम में मत लेना। अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग इनमें से प्लेयर को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनमें से 10 या फिर 11 हाई सिलेक्शन सभी के सभी ले लो ऐसा मत करो, क्योंकि हर मैच में ट्रम्प प्लेयर आते हैं, इनमें से कुछ प्लेयर ज़रूर फ्लॉप होंगे आज के मैच में। तो अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो आप 10 या फिर 9 इनमें से ले सकते हैं,
लेकिन ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो इनमें से मैक्सिमम 7 तक लेना। तो आज के मैच में चलो किस तरह से टीम बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो हाई सिलेक्शन प्लेयर है आप देख सकते हैं, हाई सिलेक्शन वाले हैं 50 के ऊपर वाले कौन कौन से हैं। वैसे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको दिखा दिया है कि कौन कौन से हाई सिलेक्शन प्लेयर हैं, तो फिर भी मैं और एक बार आपको यहाँ पे ड्रीम इलेवन के ऐप में दिखा देता हूँ। तो ये हाई सिलेक्शन प्लेयर है, तो आपको ये सभी ट्राई नहीं करना है, मैक्सिमम 7 तक लेना है, मिनिमम 3 तक लेना है। तो इनमें से मैक्सिमम 7 तक, और ट्रम्प जो बताऊंगा उसमें भी आपको मिनिमम 4 से लेकर 7 तक ही ट्रम्प यूज़ करना है। अगर आज के मैच में 12 हाई सिलेक्शन प्लेयर खेलते हैं तो 12 में से आप 12 अगर खेलेंगे तो आप ऐसा कर सकते हो 6-7 का 6-5 का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, किसी एक टीम के तरफ से 6 प्लेयर, दूसरे टीम के तरफ से 5 प्लेयर, या फिर 7-4 का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 7-4 किसी एक टीम के तरफ से 7 प्लेयर और किसी एक टीम के तरफ से 4 प्लेयर। तो चलिए टीम बनाकर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट प्लेयर को चुनूँगा, तो इम्पोर्टेंट प्लेयर यहाँ पे जो कीपिंग सेक्शन है यहाँ पे एक भी ट्रम्प नहीं है। तो आप अगर आज के मैच में ये गुरबाज श्रीकर भरत या फिर देसाई अगर नहीं खेलता है तो हमें इस मैच में ग्रैंड लीग जीतना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कीपिंग सेक्शन में जो ट्रम्प है उन्हें लेने का रिस्क कम हो जाएगा और सिर्फ हमें 3 ही सेक्शन में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप आपके लिए आसान होगा। तो चलिए देखते हैं, ये आज के मैच में मैं लेता हूँ, इस टीम में मैं ले रहा हूँ 7 हाई सिलेक्शन प्लेयर और 4 ट्रम्प प्लेयर। तो देखिए मैं किस तरह से टीम बनाता हूँ, आपको भी इसी तरह से टीम बनानी है, और इसमें मैं ट्रिक भी यूज़ करके दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ से मैं दोनों भी हाई सिलेक्शन को ले लिया कीपिंग में, और यहाँ से मैं लेता हूँ रोहित शर्मा को लेता हूँ। मैंने रोहित को क्यों लिया, क्योंकि ये लगातार 4 या 5 मैच में फ्लॉप होते हुए आ रहा है। देखिए रोहित शर्मा इस मैच में ये कॉम्बिनेशन है, तो रोहित के ये मुंबई का जो पुराना कॉम्बिनेशन है इसमें देख सकते हैं, लगातार 5 मैच में, आखिरी के 5 मैच में फ्लॉप हुआ है। तो हो सकता है आज के मैच में चल जाए, इसलिए मैंने इस पे रिस्क लिया। उसके बाद 3 मेरे हाई सिलेक्शन हो गए हैं और यहाँ पे और 4 मुझे लेना है, तो मैं यहाँ से पांड्या को लेता हूँ, पांड्या के बाद लेता हूँ नरिन को, नरिन के बाद ले लूँगा मैं यहाँ से। अब मुझे 2 और हाई सिलेक्शन लेना है, तो 2 हाई सिलेक्शन मैं लूँगा, यहाँ से श्रेयस अय्यर लेता हूँ, और मुझे 1 हाई सिलेक्शन लेना है, तो इसमें मैं लूँगा, यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में 3 हाई सिलेक्शन है, इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये 7 हाई सिलेक्शन चुन लिए है, तो अब इसमें मैं 4 ट्रम्प प्लेयर डालना हूँ। तो आपको ट्रम्प प्लेयर कहाँ डालना है, बॉलिंग सेक्शन में डालना है, क्योंकि हर मैच में बॉलिंग सेक्शन में ट्रम्प प्लेयर आ रहा है। तो आपको सबसे पहले बॉलिंग सेक्शन में डालना है, उसके बाद आप बैटिंग या फिर ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में सोचना कि आपको कहाँ पर डालना है, एक में डालना है कि दोनों में डालना है, जैसे कि ऑलराउंडर और बैटिंग दोनों में ट्रम्प। तो चलिए मैं यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से ट्रम्प लेता हूँ। तो बॉलिंग सेक्शन में मैंने हर्षित राणा को लिया, थुषारा को लिया, मैंने 2 ट्रम्प प्लेयर यहाँ पे डाल दिया। अब मुझे और 2 ट्रम्प प्लेयर डालना है, तो 2 ट्रम्प प्लेयर मैं यहाँ से लूँगा, ऑलराउंडर सेक्शन में एक दिख रहा है रमनदीप सिंह, और बैटिंग सेक्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर 4 दिख रहे हैं, जो पिछले 5 दिख रहे हैं जो पिछली मैच खेले थे। तो यहाँ से मैं एक ट्रम्प लूँगा, नमन धीर को लेता हूँ,
मंदिर के बाद यहाँ से लेता हूँ वेंकटेश अय्यर को। तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन बनकर आ चुका है। तो यहाँ से इस कॉम्बिनेशन को बनने के बाद हमें चेक करना है कि ये कॉम्बिनेशन पिछले कॉम्बिनेशन से मैच किया है या नहीं। चलो मैं आपको पिछले कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ कि कोलकाता और मुंबई के कौन कौन से कॉम्बिनेशन आ चुके हैं। तो आपको ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है कोलकाता के, मैं आपको कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ। तो ये पहले के 3 मैच के हैं, उसके बाद के ये 3, उसके बाद के ये 3 और उसके बाद के ये 2। तो कोलकाता के अब तक 11 मैचेस हो चुके हैं और मुंबई के 12 हो चुके हैं। तो आपको जो भी कॉम्बिनेशन इन दोनों के भी पिछले मैचेस में हो आ चुके हैं उनको आपको नहीं यूज करना है, एक नए कॉम्बिनेशन को यूज़ करना है। तो चलिए मुंबई के भी आपको कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ। तो ये मुंबई के टोटल 12 मैच हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले के 3 कॉम्बिनेशन में कौन से प्लेयर आ चुके हैं, ये आप यहाँ पे चेक कीजिए। उसके बाद के ये 3, उसके बाद के ये 3 और उसके बाद के ये 3, यानी कि टोटल 12 कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिखा दिया है जो इस 2024 IPL में मुंबई की तरफ से चल चुके हैं। आपको इतने सारे कॉम्बिनेशन ना देखना पड़े इसलिए मैंने एक ही पेज पर कोलकाता और मुंबई के दोनों के कॉम्बिनेशन लिख दिए। तो इस पेज में आप देख सकते हैं कोलकाता के अब तक जो 11 कॉम्बिनेशन चले हैं उनका मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन चले। वो ड्रीम टीम से प्लेयर का कॉम्बिनेशन निकाल कर यहाँ पे लिख दिया है। तो आप अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए मुंबई का भी हमने लिख दिया है, तो इसे भी आप चेक कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा ये कॉम्बिनेशन बना है तो इसमें से जो भी कॉम्बिनेशन हमने बनाया है तो ये कॉम्बिनेशन पिछले मैचेस से मैच नहीं करना चाहिए, ये यूनिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आपकी रैंक टॉप या फिर फर्स्ट आ सकती है। क्योंकि हर मैच में यूनिक कॉम्बिनेशन चल रहा है, एक भी बार नया नहीं आया। आप देख सकते हैं इस ये जो पुराने कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे हैं मुंबई और KKR के, इनमें से आप कोई भी कॉम्बिनेशन अगर चेक करेंगे तो कोई भी कॉम्बिनेशन दोबारा रिपीट नहीं हुआ है। इसी तरह से किसी भी टीम का इस 2024 IPL में कोई भी कॉम्बिनेशन दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, हर मैच में एक नया कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा है। इसलिए आपको यूनिक कॉम्बिनेशन आज के मैच में यूज़ करना है, यही ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहता था और आपको बता दिया है। तो इस ट्रिक के मदद से किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ और टिप्स भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए कोलकाता की तरफ से मैंने 5 प्लेयर ले लिए हैं, साल्ट, वेंकटेश, श्रेयस, नरिन और हर्षित राणा। तो ये 5 प्लेयर पिछले मैचेस में चल चुके हैं या नहीं वो देखते हैं पिछले कॉम्बिनेशन में। तो ये पिछला कॉम्बिनेशन है कोलकाता का, तो 5 प्लेयर चेक करते हैं। यहाँ पे पहले मैच में 5 चले लेकिन उसमें रिंकू चला, इसलिए यूनिक कॉम्बिनेशन। उसके बाद छठवें मैच में देखिए यहाँ पे रघुवंशी है, इसलिए हमारा यूनिक कॉम्बिनेशन, हमने रघुवंशी को नहीं लिया है। उसके बाद 5 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन 8वें मैच में आपको दिख रहा है, यहाँ पे रसेल है, जहाँ रसेल, नरिन, वेंकटेश, साल्ट। तो चलिए चेक करते हैं हमने रसेल को लिया है या नहीं। यहाँ पे देखिए हमने रसेल को नहीं लिया, इसलिए हमारा ये यूनिक कॉम्बिनेशन है। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हैं और इस तरह से आप और भी कुछ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो पिछले कॉम्बिनेशन से अलग हो। तो उस तरह के आप कॉम्बिनेशन बनाइए और उस कॉम्बिनेशन के साथ ज़रूर जाइए, क्योंकि उस कॉम्बिनेशन के चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर बार नया कॉम्बिनेशन आया है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया है आप इसी को यूज़ कीजिए, ऐसा नहीं बोलूँगा। अगर आपको इससे हटकर कोई दूसरा कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो तो बना लो, वैसे भी आप बना पाओगे तो उस कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हो। और उसके बाद हम मुंबई का चेक करते हैं। मुंबई के हमने 6 प्लेयर लिए हैं, किशन, रोहित, धीर, हार्दिक पांड्या, बुमराह और तुषारा। चलो 6 प्लेयर कॉम्बिनेशन देखते हैं मुंबई का। तो 6 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन मुंबई के पिछले मैचेस में 10वें मैच में चला, तो
एक ही बार चला है छः प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन मुंबई का। तो यहाँ पे देखिए वाढेरा चला था और इस मैच में हमने वाढेरा को नहीं लिया है, इसलिए ये हमारा यूनिक कॉम्बिनेशन है, तो आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। तो इसमें मैं कैप्टन बनाऊंगा, इसमें मैं कैप्टन बनाता हूँ थुषारा को कैप्टन बनाता हूँ और वाइस हार्दिक पांड्या को बनाता हूँ। मैंने थुषारा को क्यों कैप्टन बनाया, क्योंकि थुषारा पे मैंने रिस्क लिया है और वाइस हार्दिक पांड्या को क्यों बनाया, क्योंकि हार्दिक पांड्या अब तक इस 2024 आईपीएल में एक भी बार वाइस या फिर कैप्टन नहीं आ चुका है, तो हो सकता है आज के मैच में कैप्टन या फिर वाइस आ जाए, इसलिए मैंने इसको ट्राई किया है। अगर आपको इसी तरह का श्रेयस का भी परफॉर्मेंस रहा है, उसने भी लगातार 7 या 8 बार ड्रीम टीम में आया है, चलो दिखाता हूँ, लेकिन एक भी बार कैप्टन या फिर वाइस कैप्टनसी वाली पारी नहीं खेला है, इसलिए आप इस पे भी रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए श्रेयस 0 बार कैप्टन और वाइस, और हार्दिक को देखिए 9 बार आया 12 में से ड्रीम टीम में, लेकिन एक भी बार कैप्टन वाइस नहीं बना। तो ऐसे प्लेयर पे आप रिस्क ले सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि नरिन 3 बार कैप्टन आया 2 बार वाइस आया तो इसे और मत बना, वैसा नहीं बोलता, आप बना सकते हो, आपको बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका 96% सिलेक्शन है तो ये फ्लॉप ही होगा, ऐसा नहीं है। इसका इसके पहले भी 90 से ऊपर कई बार सिलेक्शन रह चुका है, फिर भी ये चल चुका है। तो अगर आपको इस पे रिस्क नहीं लेना है तो मत लीजिए, आपको जैसा लगता है वैसी टीम बनाइए। तो ये हमारी एक टीम बन चुकी है, तो आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है ट्रिक का यूज़ करते हुए। और एक मैं आपको कॉम्बिनेशन बनाकर दिखाता हूँ वहाँ पे क्या। तो चलिए इन सभी को मैं हटा देता हूँ जो भी मैंने प्लेयर लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलो इसको भी हटा देता हूँ मैं बॉलिंग सेक्शन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैटिंग सेक्शन में हाई सिलेक्शन प्लेयर हैं वो 4 दिख रही है आपको, रोहित, सूर्य कुमार, तिलक और श्रेयस अय्यर। तो ये चारों के चारों चले गए, इसकी जो गारंटी है वो कम है, हो सकता है चल भी सकते हैं। और ये इसके अलावा बैटिंग सेक्शन में यहाँ पे 5 ट्रम्प प्लेयर हैं, रिंकू सिंह है, वेंकटेश है, टीम डेविड है, रघुवंशी हैं, नमन धीर है। तो आपको यहाँ पे 5 प्लेयर चलो सिलेक्ट करके ही दिखाता हूँ मैं आपको, ये सभी के सभी तो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 5 ट्रम्प प्लेयर आपको दिखेंगे, दिख रहे हैं। यहाँ पे वेंकटेश है, नमन धीर है, रिंकू सिंह है, टीम डेविड और रघुवंशी हैं। तो ये 5 ट्रम्प हुए और यहाँ पे 4 हाई सिलेक्शन हुए हैं। तो सभी के सभी आपको ये हाई सिलेक्शन नहीं रखना है, एक ना एक तो फ्लॉप होगा, तो आप उनमें एक ट्रम्प प्लेयर डाल सकते हैं। अगर आप सभी के सभी हाई सिलेक्शन इस मैच में रख रहे हो तो आप इसमें एक ना एक ट्रम्प प्लेयर ज़रूर डाल सकते हो, क्योंकि कीपिंग सेक्शन में हमें ट्रम्प प्लेयर तो नहीं दिख रहा है कीपिंग सेक्शन में। पिछले मैच में जो खेला था वो उसमें ट्रम्प प्लेयर नहीं दिख रहा। और ऑलराउंडर सेक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है, रमनदीप सिंह। तो आज के मैच में ये चांसेस है कि बैटिंग सेक्शन से ट्रम्प प्लेयर आए। तो अगर आप चाहते हो कि बैटिंग सेक्शन में ट्रम्प प्लेयर डालना चाहते हो तो आप इनमें से 5 में से कोई भी डाल सकते हो। वेंकटेश अय्यर जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आता है तो इसको बैटिंग मिलती है, तो ये आज अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। उसके अलावा रघुवंशी भी मिडल ऑर्डर में आ जाता है 4थे-5वें नंबर पे, तो इसको भी आज के मैच में बैटिंग मिल सकती है, तो इस पर भी आप अपना लक आजमा सकते हो। तो आपको मैं टिप्स ये दूंगा आज के मैच में, आपको बैटिंग सेक्शन में 5 में से 3 या फिर 2 आपको ट्रम्प प्लेयर रखना है।
अगर आप 5 में से 4 नहीं रखना चाहते हैं तो 3 या फिर 2 या फिर 1 तो कम से कम आपको रखना है, और बैटिंग सेक्शन में ट्रंप रखना है। तो यहाँ से मैं कुछ ट्रंप प्लेयर को रख देता हूँ। चलो मैं पहले हाई सिलेक्शन को हटा देता हूँ। तो यहाँ से मैं ट्रंप लूँगा। चलो मैं ट्रंप से ही शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ से मैं नमन धीर को ले लिया, ये बॉलिंग भी डालता है, हो सकता है आज के मैच में 1 या 2 विकेट भी ले जाए, और 2 विकेट ले जाए तो ये ड्रीम टीम में पक्का आएगा। उसके बाद यहाँ से मैं रघुवंशी को ट्राई करता हूँ। रघुवंशी के बाद यहाँ से मैं ट्राई करूँगा वेंकटेश अय्यर। 3 मैंने यहाँ से ट्रंप प्लेयर ले लिया। अब मैं बॉलिंग सेक्शन से ट्रंप डालता हूँ। तो बॉलिंग सेक्शन से क्यों डालूँगा, क्योंकि हर मैच में इस 2024 IPL में सभी के सभी 59 जो मैचेस हो चुके हैं, हर मैच में कोई ना कोई ट्रंप प्लेयर आया ही आया है। चलो आपको मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि ट्रंप प्लेयर कैसे आया है हर मैच में, यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। ये दिखाने के लिए मैं आपको ट्रंप दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, हर मैच में 50% सिलेक्शन के अंदर वाले बॉलिंग सेक्शन में आपको ट्रंप दिख रहे हैं। देखिए मैंने सिलेक्शन परसेंट लिख दिया है, हाईलाइट भी किया है कौन कौन से ट्रंप है, रेड कलर में आप देख सकते हैं। हर मैच में एक ना एक ट्रंप प्लेयर आपको दिखेगा, और कल के मैच में भी मिनिमम एक ट्रंप आया है, वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मिनिमम एक ट्रंप आया है। तो आपको मिनिमम एक ट्रंप से लेकर मैक्सिमम 5 ट्रंप ट्रंप प्लेयर तक आप यूज़ कर सकते हो। आप सभी के सभी बॉलिंग सेक्शन में ट्रंप डाल सकते हो और हाई सिलेक्शन को हटा सकते हो। हाई सिलेक्शन वाले जो प्लेयर है इस 2024 IPL में कई बार फ्लॉप हो चुके हैं बॉलिंग सेक्शन में, लेकिन जो ट्रंप प्लेयर है बॉलिंग सेक्शन में एक ना एक ट्रंप प्लेयर आ चुका है हर मैच में। बॉलिंग सेक्शन में जो हाई सिलेक्शन है वो हर मैच में नहीं चले, कभी कभी जो भी हाई सिलेक्शन वाले हैं वो सभी के सभी फ्लॉप हो चुके हैं। तो आपको अगर इस तरह से टीम बनानी है तो बना सकते हैं। चलो कल के मैच में भी ट्रंप दिखा देता हूँ। कल के मैच में भी आपको बॉलिंग सेक्शन में ट्रंप दिखा होगा, जो कि मोहित शर्मा है। ये देखिए बॉलिंग सेक्शन में मोहित शर्मा कल के मैच में ट्रंप आया था। तो हर मैच में आया है, इसलिए आपको बॉलिंग सेक्शन में ट्रंप डालना ही डालना है। बॉलिंग सेक्शन कंपलसरी समझ लो, उसके बाद आपको कीपिंग में डालना है, बैटिंग में डालना है या ऑलराउंडर में, उसके बाद सोच लो, पहले बॉलिंग में ज़रूर डालना। तो यहाँ से मैं एक ट्रंप प्लेयर लेता हूँ, यहाँ से कंबोज को ले लिया। कंबोज पिछले मैच में चला था, मुंबई वर्सेस हैदराबाद की मैच थी उसमें कंबोज चला था। उसके बाद मैं और एक ट्रंप प्लेयर लेता हूँ, हर्षित राणा को लेता हूँ। तो बॉलिंग सेक्शन में कितने ट्रंप हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से चावला है जो पिछले मैच खेला था, हर्षित राणा है 2 हो गए, थुषारा है ये 3 हो गए, अरोरा सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में खेला था तो 3 हो गए, और ये कम्बोज 4 हो गए। तो 4 ट्रंप प्लेयर है, इसमें से आप एक ना एक ट्रंप प्लेयर को ज़रूर यूज़ करना। अगर आज कोच कोड जी खेलता है तो वो भी ट्रंप प्लेयर रहेगा, या फिर चम्मी राम अडवाल गोपाल जो भी खेलता है, उन जो भी नया बॉलर आता है ट्रंप प्लेयर उससे आप यूज़ कर सकते हैं या फिर ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन बॉलिंग सेक्शन में ट्रंप ज़रूर डालना। मैंने यहाँ से 2 ले लिए, बैटिंग सेक्शन से 3 ट्रंप ले लिए। तो इसमें मैं अब हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर को डालूँगा। तो अब मैं हाई सिलेक्शन में यहाँ से लूँगा किशन को लेता हूँ। किशन के बाद यहाँ पे नरिन को लेता हूँ, और बैटिंग सेक्शन में हाई सिलेक्शन में श्रेयस अय्यर को लेता हूँ और रोहित शर्मा को लेता हूँ। तो ये हमारे अब, और मुझे 2 हाई सिलेक्शन डालना है। तो चलिए यहाँ पे चेक करते बॉलिंग सेक्शन में कौन है हाई सिलेक्शन। यहाँ से मैं चक्रवर्ती को लेता हूँ, चलो चक्रवर्ती नहीं, स्टार्क को लेता हूँ। स्टार्क के बाद और एक हाई सिलेक्शन मुझे लेना है। चलो चेक करते किस तरह से टीम बनी है। चलो यहाँ से हाई सिलेक्शन में पांड्या को डाल देता हूँ। तो ये एक हमारी एक टीम बनकर आ चुकी है। तो आपको इस तरह से टीम बनानी है, और उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि ये कॉम्बिनेशन पिछले कॉम्बिनेशन से मैच किया है या नहीं।
अगर आप बोल रहे होंगे कि क्यों 10 बार चेक करना है, हर मैच हर कॉम्बिनेशन में क्यों चेक करना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हर मैच में अब तक ऐसा ही होता आया है, ये ट्रिक वर्क कर रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको ये नहीं बता रहा होता। हर मैच में आप किसी भी टीम के तरफ से कॉम्बिनेशन देखिए, जो भी कॉम्बिनेशन आया है नया ही कॉम्बिनेशन आया है। मैंने इसके पहले भी वीडियो कई सारे बना चुका हूँ, तो उसमें भी मैंने पुराने कॉम्बिनेशन आपको दिखा चुका हूँ, कोई भी कॉम्बिनेशन मैच नहीं हुआ है। तो चलिए कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, तो कोलकाता का पहले चेक करते हैं। तो कोलकाता के कौन से प्लेयर हमने लिए हैं वो चेक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे। तो कोलकाता के हमने प्लेयर लिए हैं 6 प्लेयर, वेंकटेश, श्रेयस, रघुवंशी, नरीन, स्टार्क राणा, हर्षित राणा। तो चलो चेक करते 6 प्लेयर कॉम्बिनेशन कोलकाता का। तो 6 प्लेयर कॉम्बिनेशन दूसरे मैच में चला है, तो इसमें रसेल को हमने नहीं लिया इसलिए यूनिक कॉम्बिनेशन। उसके बाद आप देख सकते हैं 7वें मैच में यहाँ पे रमनदीप को हमने नहीं लिया इसलिए यूनिक। उसके बाद 6 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन 10वें मैच में चला है, वहाँ पे देखिए मनीष पांडे को हमने नहीं लिया इसलिए यूनिक। तो इस तरह से यूनिक कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। उसके बाद चलो हम मुंबई का भी चेक कर लेते हैं। तो चलो मुंबई का कॉम्बिनेशन हमने कौन सा लिया चेक करते हैं। किशन, रोहित, धीर, पांड्या और कंबोज, ये 5 प्लेयर हमने लिए हैं। तो चलिए मुंबई के 5 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। पहले मैच में 5 चला, उसमें बुमराह है जिसे हमने ड्रॉप किया इसलिए यूनिक। उसके बाद दूसरे मैच में डेविड है जिसको हमने नहीं लिया इसलिए यूनिक। उसके बाद 5 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन 6वें मैच में देखिए, यहाँ पे हमने कोडजी को नहीं लिया इसलिए यूनिक। उसके बाद 5 प्लेयर कॉम्बिनेशन, सॉरी ये जो सातवें मैच में जो दिख रहा है वहाँ पे वो जो सीरियल नंबर था वो थोड़ा गलत हो चुका है। वहाँ पे जो 3 नंबर था वो मैंने 2 बार लिख दिया है, तो वहाँ पे टोटल 6 ट्रम्प प्लेयर है, आपको इसे करेक्शन कर लेना है। तो मैं इस वाले कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन, इसको आपको करेक्शन कर लेना है। यहाँ पे 2 बार 3 नंबर वाला नंबर आया है, वहाँ पे 6 प्लेयर ही है। तो ये तो चलिए 5 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। 10वें मैच में देखिए किशन, सूर्या को हमने नहीं लिया इसलिए यूनिक कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। अब मैं इसमें कैप्टन बनाता हूँ, तो कैप्टन मैं यहाँ पे बनाऊँगा श्रेयस अय्यर को कैप्टन, और वाइस बनाता हूँ, चलो श्रेयस को कैप्टन बनाया और वाइस बनाऊँगा मैं हर्षित राणा को। हर्षित राणा पे यहाँ पे रिस्क लिया है मैंने। तो ये एक हमारा कॉम्बिनेशन बनकर आ चुका है। तो इस तरह से आपको ट्रिक का यूज़ करते हुए कॉम्बिनेशन बनाना है। मैंने टिप्स भी बताई है कि कहाँ पे ट्रम्प प्लेयर डालना है। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया है। अब मैं तीसरा कॉम्बिनेशन आपको बनाकर दिखाता हूँ। आपको इसी तरह से कॉम्बिनेशन को यूज़ करना है, मैंने जो ट्रिक बताई उसका यूज़ करते वक्त। तो यहाँ से मैं आपको ऐसे कुछ प्लेयर दिखाना चाहता हूँ जिस पे लोगों का बिल्कुल भरोसा नहीं, लेकिन उनके इस मैच में चलने के चांसेस हो सकते हैं। तो कौन कौन से प्लेयर है वो दिखाता हूँ। बॉलिंग सेक्शन में तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, यहाँ पे तो 4 ट्रम्प प्लेयर है, तो आपको जिसे भी यूज़ करना हो कर सकते। यहाँ पे आपको 5 ट्रम्प प्लेयर दिख रहे हैं, एक कंबोज हो गया, दूसरा तुषारा, तीसरा ट्रम्प प्लेयर हर्षित राणा, चौथा कोडजी हो गया, चौथा कोडजी और ये पीयूष चावला। कोडजी अगर खेलता है तो वो ट्रम्प रहेगा, अगर नहीं खेलता है तो कोई दूसरा रह जाएगा। तो चलिए ऐसे कुछ प्लेयर दिखाता हूँ जिस पे लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं है, लेकिन इनके ट्रम्प प्लेयर आने के चांसेस है। तो ये मैं सिलेक्शन करके आपको दिखा रहा हूँ।
अगर आज टीम डेविड खेलता है तो वो भी इस तरह का प्लेयर रहेगा। तो ये रमनदीप सिंह, तो ये ऑलराउंडर और कीपिंग सेक्शन में मैंने दिखाया है। तो इस ये जो मैंने दिखाया है, तो इसमें से अगर आपको लग रहा हो कि इसमें से कोई भी ट्रम्प प्लेयर नहीं आएगा, ये सभी के सभी फ्लॉप हो गए, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के ट्रम्प प्लेयर भी आते हैं। तो इनमें से आपको कभी कभी तो ऐसे ट्रम्प प्लेयर में से चार चार तीन तीन ट्रम्प प्लेयर आ जाते हैं, तो ऐसे प्लेयर को आपको नहीं छोड़ना है। आज के मैच में यूनिक कॉम्बिनेशन बनाना हो तो आपको इस तरह के प्लेयर आपको यूज़ करना पड़ेगा। इस वजह से आपका इस तरह से यूनिक बनेगा कि आपका एकदम हटके टीम बनेगी और आप यूनिक कॉम्बिनेशन वाले टीम के साथ ही ग्रैंड लीग जीत सकते हो, फर्स्ट रैंक पे आ सकते हो। तो इनका आपको यूज़ करना है। इनमें से आप दो यूज़ करना चाहते हो दो करो, एक को करना है एक करो, चार को करना चाहते हो तो चार को करो, लेकिन इस तरह से प्लेयर आप यूज़ कर सकते हो। चलो इनमें से मैं आपको चार प्लेयर का यूज़ करते हुए एक टीम बनाकर आपको दिखाता हूँ। तो चलो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैं लूँगा टीम डेविड को लेता हूँ। टीम डेविड को लिया, उसके बाद वेंकटेश को लिया, रघुवंशी को लेता हूँ, और उसके बाद मैं लूँगा नमन धीर को। चलो ये चारों को ट्राई करता हूँ मैं, वैसे तो बैटिंग सेक्शन में पांच है तो मैं चारों को ट्राई करता हूँ। बैटिंग सेक्शन में पांच, चलो मैं ये नहीं बोलता कि आप चारों के चारों ट्रम्प प्लेयर को आपको लेना है, ऐसा नहीं बोलता हूँ। एक भी ले सकते हैं, इनमें से चार भी आ सकते हैं। मैं चार आ सकते हैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ट्रम्प प्लेयर, चलो आपको एक प्रूफ भी दिखा देता हूँ जहाँ पे चार बैटिंग सेक्शन में ट्रम्प प्लेयर आ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि चार बैटिंग सेक्शन में ट्रम्प नहीं आते, तो यहाँ पे देखिए, ये मैच इस 2024 की मैच है, तो यहाँ पे देखिए चार बैटिंग सेक्शन में ट्रम्प प्लेयर। तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहती है, तो ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ के लिए मैंने चार यहाँ पे ट्रम्प प्लेयर ले लिए हैं। तो यहाँ पे डेविड को लिया, उसके बाद मैंने बोला कि नमन धीर को लूँगा, तो नमन धीर को ले लिया। अब मैं वेंकटेश को लूँगा और यहाँ से लूँगा रघुवंशी को, ये चार मैंने लिए हैं, चार लिए हैं। तो अब मुझे क्या करना है, बैटिंग सेक्शन में मैंने तो चार लिए हैं, तो मुझे हाई सिलेक्शन वाले जो प्लेयर हैं जो टॉप ऑर्डर में आते हैं उन्हें मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मिडल ऑर्डर वाले बैट्समैन ले लिए। वैसे तो ये वेंकटेश अय्यर तीसरे नंबर पे ही आता है, और जो टीम डेविड है वो छठवें पाँचवें छठवें या सातवें नंबर पे आता है, तो इस पे मैंने रिस्क लिया है। उसके बाद रघुवंशी पाँच के अंदर ही आता है, नमन धीर भी पाँच के अंदर ही आता है, तो इनके चलने के चांसेस बन सकते हैं अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है। तो मुझे यहाँ पे टॉप ऑर्डर को फेल करना है। तो चलिए यहाँ से मैं टॉप ऑर्डर में किशन को लेता हूँ, किशन के बाद मैं यहाँ से लूँगा किशन के बाद हार्दिक पांड्या को लेता हूँ मैं, हार्दिक पांड्या, और कोलकाता की तरफ से हाई सिलेक्शन प्लेयर मैं यहाँ से नरिन और रसेल दोनों को ले लिया। और बॉलिंग सेक्शन में मैंने बोला था कि एक ना एक ट्रम्प रखना है, तो चलो मैं एक रख ही देता हूँ, चलो तुषारा को रख दिया मैंने। तो इसमें और दो मैं ट्रम्प डालूँगा, सॉरी हाई सिलेक्शन डालूँगा। तो किशन को ले लिया मैंने, नमनदीप धीर टीम डेविड ये ले लिया। अब इसमें बैटिंग सेक्शन में हाई सिलेक्शन डालूँगा, तो बैटिंग में हाई सिलेक्शन चार है, अय्यर है, श्रेयस अय्यर है, तिलक वर्मा है, रोहित शर्मा है और सूर्य कुमार यादव। तो यहाँ से मैं तिलक को लेता हूँ और श्रेयस को लेता हूँ। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है। तो इस तरह से आप टीम बना सकते हो। आप बोल रहे होंगे कि सिर्फ एक ही बॉलर कैसे चलेगा बॉलिंग सेक्शन में, ऐसी भी मैच हो चुकी है जहाँ पे एक ही बॉलर चला है वो भी ट्रम्प प्लेयर, उसके अलावा कोई भी नहीं चले। चलो दिखाता हूँ मैं आपको, जो सच है वो आपको दिखाना मेरा फर्ज है। तो इस तरह से मैचेस जाते हैं, तो
वहाँ पे सिर्फ भुवनेश्वर कुमार चला था, उसके अलावा सभी फेल हुए थे बॉलर। यहाँ पे देखिए ये स्क्रीनशॉट। इस तरह के मैचेस जाते हैं तो आपको इस तरह से टीम बनानी पड़ सकती है अगर ग्रैंड लीग जीतनी हो तो। ये एक एकदम यूनिक टीम हो गई है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी टीम किसी ने बनाई होगी। तो इसमें मैंने हाई सिलेक्शन का यूज़, कितने हाई सिलेक्शन लिए है वो बताता हूँ। किशन एक हो गया, तिलक वर्मा एक हो गया, दो हो गए। उसके बाद हार्दिक पांड्या, नरिन और रसेल, ये टोटल 6 प्लेयर हुए हैं। और यहाँ पे श्रेयस अय्यर को लिया है, तो ये हाई सिलेक्शन वाले हो गए तीन। ऑलराउंडर में तीन हाई सिलेक्शन, तो ये 6 प्लेयर मैंने लिए हैं और 5 ट्रंप लिए हैं। 4 तो मैंने बैटिंग में ही डाल दिया और 1 बॉलिंग में डाल दिया, तो इस तरह से भी मैच जाती है। तो ये एक मेरा कॉम्बिनेशन बन गया, तो इसमें मैं कैप्टन बनाऊंगा। इसमें आप हाई सिलेक्शन को कैप्टन बना सकते हैं। इसमें अगर हाई सिलेक्शन को बना देंगे तो भी ऐसी यूनिक टीम आपको नहीं दिखेगी। तो सुनील नारायण को जो आप कैप्टन बनाना चाहते हो, तो इस तरह से कैप्टन बनाकर इस तरह के टीम के साथ आप फर्स्ट रैंक पे आ सकते हैं। ये टीम आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, तो ये एक यूनिक टीम हो गई। तो ऐसे ही टीम फर्स्ट रैंक पे आती है जो किसी के पास ना हो। फर्स्ट रैंक पे आने वाला भी आपने देखा होगा ग्रैंड लीग में, एक या दो प्लेयर ही होते हैं, कभी कभी 4 आते, कभी 5, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होते। अगर आप जिनको सभी लेना चाहते हैं उन्हीं के लेते हो, या फिर गिने चुने ही या ट्रम्प प्लेयर लेते हो, ऐसे प्लेयर को यूज़ नहीं करते, तो आपको फर्स्ट रैंक पे आने के चांसेस कम हो सकते हैं। वैसे भी आप जीत सकते हो, लेकिन इस तरह से भी मैचेस जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हर बार वैसे ही नहीं चलता। इस तरह से भी आपको टीम बनानी पड़ सकती है। जो सच है वो मैंने प्रूफ के साथ दिखा दिया है आपको। भुवनेश्वर कुमार वाली जो मैच थी वहाँ पे ऐसा हुआ था। और एक मैं आपको टीम बना के दिखाऊंगा, तो चलिए। वैसे मैंने अभी जो टीम बना के दिखाया था उसको मैंने चेक नहीं किया कि ये कॉम्बिनेशन पिछले मैच से चला है, पिछले मैच से मैच हुआ है या नहीं, वो नहीं बताया था। लेकिन आप ज़रूर चेक कर लेना, तो मुझे लगता है वो कॉम्बिनेशन किसी पहले मैच में नहीं चला है होगा, तो आप चेक करके उसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद और एक मैं टीम बनाऊंगा, तो इसमें इसमें भी मैं ऐसे ही प्लेयर को डालूंगा। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो फॉर्म में उन्हें मैं ड्रॉप करूँगा। तो फॉर्म में कौन कौन से प्लेयर है, बैटिंग सेक्शन में एक तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार है और श्रेयस अय्यर, ये तीनों सबसे ज़्यादा फॉर्म में है इस 2024 IPL में। तो इनमें से एक या दो को मैं ड्रॉप करूँगा, तो यहाँ से सूर्या को ले लिया मैंने, सूर्या के साथ मैं लूँगा। रोहित शर्मा को, तो यहाँ पे जो फॉर्म में है तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर, इनको मैंने ड्रॉप कर दिया। मैं ये नहीं बोलता कि आप भी ड्रॉप कीजिए, लेकिन इस तरह से रिस्क लेने पड़ते हैं। तो यहाँ से मैंने साल्ट को ले लिया, और यहाँ पे जो प्लेयर 11 में से 10 बार चला हो उसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नारायण को मैंने ड्रॉप कर दिया। रसेल और हार्दिक पांड्या को ले लिया, और यहाँ से मैं किसे ले रहा हूँ वो भी देखिए। यहाँ से मैं वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह, इनको ले लिया है मैंने। आप देख सकते किस तरह से मैंने यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया है। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में मैं डालूँगा, बुमराह को डालता हूँ। बुमराह के साथ यहाँ से मैं डालूँगा कंबोज को डालता हूँ, कंबोज को डाल दिया।
उसके बाद मैं यहाँ से डालूँगा पीयूष चावला में राणा को डाल दिया, हर्षित राणा। तो ये एक कॉम्बिनेशन बनकर मेरा तैयार हो चुका है। तो यहाँ से कितने हाई सिलेक्शन कितने ट्रंप है वो चेक करूँगा। बॉलिंग में 2 ट्रंप है कम्बोज और राणा, उसके बाद बैटिंग में 2 ट्रंप है एक वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह, ये 2 ट्रंप हो गए। तो ये मैंने सिर्फ 4 ही ट्रंप यूज़ किया है। आपको अगर लग रहा हो कि इस तरह से कैसे मैंने टीम बना दिया, लेकिन इसमें सिर्फ 4 ट्रंप प्लेयर और 7 हाई सिलेक्शन लिया है मैंने। तो इस तरह से आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, आपको बैट्समैन के साथ खेलना पड़ सकता है, बैट्समैन के जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ खेलना पड़ सकता है। जैसे कि कल के मैच का आपको एक प्रीव्यू दिखाता हूँ, उसमें किस तरह से टीम बनी थी कल के मैच में। वहाँ पे देखिए, कल के मैच में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ खेलना पड़ गया था आपको। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ हाई सिलेक्शन प्लेयर रचिन रविंद्र, उसके साथ खेलना पड़ गया था। तो ऋतुराज गायकवाड़ को कोई भी ड्रॉप करना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो फॉर्म में था। तो देखिए, कल के मैच में ऋतुराज नहीं चला। उसके बाद ये जो यहाँ पे जो हाई सिलेक्शन वाला प्लेयर है, ऑलराउंडर सेक्शन में कल के मैच में हाई सिलेक्शन वाला प्लेयर था शाहरुख खान, जिसका सिलेक्शन परसेंट 50 के ऊपर था, तो उसके साथ खेलना पड़ गया था और उसके जगह पे मोइन अली को लेना पड़ गया था। तो इस तरह से अलग अलग प्लेयर को आपको लेना पड़ता है। जैसे कि कल के मैच में डैरिल मिचेल, जिसका सिलेक्शन 50% था, लेकिन वो चल गया और जो जिस पे भरोसा वो था वो फ्लॉप हो गया। और किसी ने नहीं सोचा था कि शुभमन गिल और सुदर्शन कैप्टन और वाइस कैप्टन आएंगे, लेकिन बहुत लोगों ने रिस्क लिया था क्योंकि ये दोनों भी प्लेयर फॉर्म में थे। वैसे तो सुदर्शन तो बहुत ज़्यादा फॉर्म में है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कीपिंग सेक्शन में, वहाँ पे मैथ्यू वेड था, तो मैथ्यू वेड पे ही सभी ने भरोसा दिखाया था क्योंकि वो पहले बैटिंग करने आता है धोनी से पहले, इसलिए उसी को लिया था, लेकिन धोनी को नहीं लिया था। देखिए, धोनी ही आ गए। इस तरह से आपको खेलना पड़ सकता है, जो जिस पे भरोसा होता है उसको आपको ड्राफ्ट करना पड़ सकता है। इस तरह से आपको खेलना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे साल्ट को ले लिया, तो साल्ट के जगह पे आप किशन को ले सकते हो। तो इस तरह से चलो अब कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। कोलकाता की तरफ से साल्ट, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रसेल और हर्षित राणा, 5 प्लेयर कॉम्बिनेशन कोलकाता। तो ये हमारी आखिरी आखिरी कॉम्बिनेशन है, इसके बाद हमारा वीडियो ख़त्म होने वाला है। तो चलिए, कोलकाता का कॉम्बिनेशन 5 प्लेयर वाला चेक करते हैं। पहले मैच में 5 प्लेयर, वहाँ पर रमनदीप था इसलिए यूनिक। उसके बाद 6वें मैच में देखिए, रघुवंशी है, उसको हमने नहीं लिया इसलिए यूनिक। उसके बाद 5 प्लेयर वाला 8वें मैच में देखिए, वहाँ पे नरिन है जिसको हमने नहीं लिया है। तो ये हमारा एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह के यूनिक कॉम्बिनेशन बनाकर ही आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो। तो इसमें मैं कैप्टन किसे बनाऊंगा? कैप्टन आप इसमें हाई सिलेक्शन को बना सकते हैं, यह यूनिक टीम है। सॉरी, इसमें और एक मुझे प्लेयर डालना पड़ेगा, मैंने 10 ही प्लेयर लिए हैं। तो एक हाई सिलेक्शन ले लेता हूँ, स्टार्क को ले लिया। ये हमारी टीम हो गई। तो यहाँ से मैं कैप्टन बनाता हूँ, रोहित शर्मा को बनाता हूँ। कंटिन्यू फ्लॉप हो रहा है तो इसको बना देता हूँ या फिर वाइस बना देता हूँ। अगर आपको नहीं उसको बनाना है तो आपके साथ आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि साल्ट है, सूर्य कुमार है, वेंकटेश अय्यर है, उसके बाद रसेल है, हार्दिक पांड्या है, बुमराह है, स्टार्क है। लेकिन बुमराह आज बनेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इस बैट्समैन या फिर बॉलर को आप बना सकते हो। तो
तो फिलहाल तो मैं रोहित शर्मा को बना रहा हूँ। चलो रोहित को नहीं बनाता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ओवर अटैकिंग हो जाता है। ये नहीं देखता कि कहाँ पे बैट्समैन कहाँ पे फील्डर है वो देखता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ओवर अटैकिंग हो जाता है और जो भी बॉल आए उसको पे अटैक करने को ही देखता है, इसलिए ये फ्लॉप हो जाता है। संभल कर नहीं खेलता, इसलिए इसको मैं कैप्टन नहीं बनाऊंगा। कैप्टन बनाता हूँ मैं यहाँ से वेंकटेश अय्यर को बनाता हूँ, और वाइस बनाता हूँ मैं रसेल को। तो ये हमारी एक टीम बनकर आ चुकी है। तो ये इस तरह से आप टीम बना सकते हो। तो ये हमारे चार टीम मैंने आपको दे दी है, तो हमने चेक भी कर लिया है कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमने लिया है। तो रसे वेंकटेश ये मुंबई का चेक कर लिया, चलो कोलकाता के भी चेक कर लेते हैं। छह प्लेयर साल्ट वेंकटेश रिंकू रसल स्टार्क राणा, चलो छह प्लेयर कोलकाता का। दूसरे मैच में साल्ट वेंकटेश श्रेयस, यहाँ पे देखिए नरिन नहीं है इसलिए ये नहीं। उसके बाद दसवें मैच में मनीष है इसलिए यूनिक। उसके बाद सातवें मैच में रमनदीप है इसलिए यूनिक। तो ये कॉम्बिनेशन है छः प्लेयर वाले, तो हमारा कॉम्बिनेशन यूनिक है इसलिए हम इसके साथ जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी ट्रिक और टिप्स पसंद आई हो, तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए या फिर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के मैं और भी कम प्रेडिक्शन करता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस मैच के लिए गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।